तो इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर आज INDIA गठबंधन की वर्चुअल बैठक होगी। साथ ही इस बैठक में कन्वीनर के नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इस बैठक में TMC के शामिल होने के आसार कम ही है। TMC सूत्रों के अनुसार पहले से ममता बनर्जी का कार्यक्रम तय है। तो जानकारी के मुताबिक देर से जानकारी मिलने की वजह से TMC की ओर से बैठक जो है दूरी बनाई हुई है TMC ने, तो वहीं गठबंधन की बैठक को लेकर अखिलेश यादव भी नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को SP का जो प्रतिनिधि मंडल है सीट बंटवारे को लेकर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचा, लेकिन कांग्रेस ने बैठक को टाल दिया। तो ये तीन बड़ी तस्वीरें देखिए, कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। और ऐसे में आज सभी की निगाहें उस बैठक पर टिकी हुई है। वर्चुअली ये बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। देखना यह है कि कौन कौन इस बैठक में शामिल होता है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि TMC इस बैठक में शामिल नहीं होगी। तो तीन तस्वीरें आपके सामने, ममता बनर्जी ने इस बैठक से दूरी बनाई हुई है, सीट बंटवारे पर भी चर्चा होगी और कांग्रेस आप में क्या बात बन पाएगी इस पर भी नजर। तो वहीं ममता बनर्जी के कुछ तयशुदा पहले से कार्यक्रम है, लिहाजा इस वर्चुअल बैठक का वो हिस्सा नहीं बन पाएंगी, ये जानकारी सामने आई। तो INDIA गठबंधन की बैठक पर नजर लगातार। तो सीट शेयरिंग पर कहां कहां पेच फंसा हुआ है, देखिए पंजाब में 13 सीटें और आम आदमी पार्टी 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। पंजाब को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में 7 सीटें और ऐसे में आम आदमी पार्टी एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। ये बात हुई पंजाब और दिल्ली की। यूपी की बात करेंगे, 80 सीटें SP 2 से ज्यादा देने को तैयार नहीं हो पा रही है। सीट शेयरिंग पर जो पेच फंसा है, कहां कहां पेच फंसा है वो हम आपको बता रहे। बिहार में 40 सीट में RJD JDU 5 से ज्यादा सीट देने को राजी नहीं, तैयार नहीं है। और क्या बात बन पाएगी इन बैठकों से जो लगातार हो रही है INDIA गठबंधन की। बंगाल की बात करेंगे, 42 सीट TMC 2 से ज्यादा सीट देने को राजी नहीं। महाराष्ट्र की 48 सीट, कांग्रेस शिवसेना UBT को 10 से ज्यादा सीट देने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है। Z News.